सुप्रभात बच्चों, हिंदी की सातवीं कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अब तक दो पाठ सीख लिए, आज हम तीसरा पाठ सीखने वाले हैं, कुत्ते की वफादारी। ये पहले भी मैंने एक बार समझा दिया है और आज मैं दोबारा समझा देती हूँ, ताकि अगर कुछ समझने में रह गया हो तो आप उसे अच्छे से समझ सकें। ये पाठ शायद आप लोग गुजराती में भी एक बार पढ़कर आए हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होगी ही। इसमें प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी यानी कि उनके मालिक के प्रति वफादारी का उजागर किया है, यानी कि एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है उसकी यहाँ पर बात बताई गई है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है ना, कभी कभी हम कोई काम सोचे समझे बगैर जल्दबाजी में करते हैं तो आखिर कभी हमें पछताना भी पड़ता है, और कितनी तकलीफें हमारी सामने आती है वो यहाँ बताया गया है। लेखक ने यहाँ पर कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है कि जल्दबाजी में किया गया कोई काम हमें बाद में पछताने की नौबत आने जैसा हो सकता है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रायधनपुर नाम का छोटा सा एक नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है, समाधि और वह भी कुत्ते की है ना। ज़्यादातर मनुष्यों की समाधि, कई कई धर्मों में ऐसा है कि उनकी समाधियाँ बनाई जाती हैं, महापुरुषों की भी ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते की समाधि। हमें भी आश्चर्य होता है कि कुत्ते की समाधि कैसे बन सकती है। यह जानकर आश्चर्य होगा ही, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। और यह कथा यहाँ दर्शाई है कि कुत्ते की समाधि क्यों बनाई गई है। चलिए अभी पाठ को समझते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने के लिए बंजारे इसका काम करते थे, यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान लादकर शहरों में ले जाता और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता। यानी कि एक बंजारा था जो गांव का सामान शहरों तक पहुँचाता और वहाँ मिश्री, गुड़, मसाले आदि शहरों से लेकर वापस गांव पहुँचाता। वो किस पर यह काम करता था? ऊँट पर ये सारी चीज़ें लादकर यह काम करता था। लाखा का व्यापार उसका था, उसका लाखों का व्यापार था, यानी कि वो कई सालों से यह काम करता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा। अब लाखों का व्यापार वह करता था इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था जो माल की फेरा फेरी वह ऊँट के साथ करता था, लेकिन उसके पास एक सुंदर कुत्ता भी था। कुत्ता बड़ा ही वफादार, क्योंकि वो कुत्ता कई सालों से लाखा के पास रह रहा था, इसीलिए वह बड़ा ही वफादार था लाखा के प्रति। रात को बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता, यानी कि लाखा जब सो जाता तो सारी चीज़ें वहाँ पड़ी रहती, और लाखा ने जहाँ पड़ाव डाला है, जहाँ रात गुजारने की जगह होती है, वहाँ की रखवाली कौन करता? तो यह कुत्ता जो लाखा का वफादार कुत्ता है। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता है ना। कुत्ता सबसे वफादार प्राणी है। अगर कोई ने कुत्ता पाला हुआ है और कई सालों से वह उनके घर रह रहा है तो रात को वो रखवाली करेगा घर की, क्योंकि घर के बाहर वो बंधा हुआ रहता है। जैसे ही कोई अनजान आदमी दिखता है या रात को कोई चोर लुटेरे देखता है तो तुरंत भौंकने लगता है। तो यहाँ पर भी
रात को पड़ाव की रखवाली करता, जैसे ही चोर लुटेरे आते उसे दिखाई देते, वह भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। इस तरह वह लाखा के प्रति वफादार था। आगे क्या कहते हैं, एक बार लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि अब तक उसका कार्य अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक उसे इस कार्य में खोट यानी कि मुनाफा नहीं हुआ। अब उसे रुपयों की ज़रूरत, अभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी अपना यह व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। अब उसे व्यापार आगे बढ़ाना है तो वह कोई पैसे देने वाला व्यक्ति ढूंढ रहा है, तो उसको एक सेठ की याद आई जो राधनपुर में ही रहते थे। वह उस सेठ के पास गया और अपनी सारी बात बताई कि अभी उसे व्यापार में नुकसान हुआ है और उसे थोड़े समय के लिए कुछ उधार पैसे चाहिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे, है ना? हम अभी बैंक में भी कहीं भी जाएंगे तो हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हमें अपना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि जब हम वो रुपये वापस कर देंगे तो वो वही चीज़ हमें सही सलामत वापस मिल जाएगी। तो सेठ कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँ, लेकिन तुम गिरवी क्या रखोगे, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी, स्वाभाविक है उसे व्यापार में नुकसान हुआ है, तो पैसे तो उसके पास है ही नहीं, तो बोल रहा है कि मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे पैसे दे दीजिए। लाखा का वैसे भी बहुत नाम है, वह ईमानदारी के तौर पे भी जाना जाता है कि लाखा बंजारा ईमानदार है। तो वह सेठ से क्या कहता है, वह कहता है कि आप मेरी जबान पर विश्वास रखिए, जैसे ही मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा मैं आपके पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा, यानी कि मेरी इस बात पर आप विश्वास रखिए, लाखा बंजारा सेठ से कहता है। मैं आपकी पूरी रकम एक साल में सूद समेत वापस लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो वह इसे जमानत के रूप में दे दो। अब सेठ क्या कहता है, क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, तेरे पास ये कुत्ता है तो वो तू यहाँ जमानत के तौर पे रख जा, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। जब तुम्हारी जितनी रकम तुम मुझसे लेकर गए हो वो सारी सूद समय मुझे लौटा दोगे, उसी दिन यह कुत्ता भी मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। बंजारे को दुख हुआ अपने कुत्ते को देने में, है ना? वह कुत्ता बंजारे के साथ कई सालों से लहराए रहा है और उसका बड़ा ही वफादार, और कुत्ते को बंजारे के प्रति और बंजारे को कुत्ते के प्रति इतनी भावना है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। एक बार बंजारे को दुख तो हुआ कि मैं कुत्ता यहाँ कैसे छोड़ूं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसने वह कुत्ता सेठ जी को दे दिया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुछ ही दिन बीते थे कि कुत्ता वहाँ पे रह रहा था, और एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हुई, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। हमने आगे भी देखा कि जब बंजारा सो जाता था तो वह कुत्ता रात को उस पड़ाव की पहरेदारी करता था, और चोर लुटेरे आते तो उन्हें भौंक भौंक कर भगा देता था। यहाँ पर भी वही हुआ, रात को जब सेठ सो गए तो यहाँ पर अचानक चोर आ गए। कुत्ते ने चोरों को देखा और उसने चोर का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर
चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया है ना। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, वो कुत्ता सारी चीजें देख रहा है कि वो चोर जंगल की तरफ भागे और थोड़े दूर जाकर जो माल सामान उन्होंने सेठ के यहाँ से चुराया है वो सारा माल सामान चोरों ने कहाँ छुपा दिया है, एक जमीन के अंदर गाड़ दिया है ताकि किसी को नजर ना आए। चोर वहाँ माल सामान गाड़ कर वहाँ से 9:00-11:00 हो गए, यानी कि वहाँ से भाग गए। अब कुत्ता यह सारी चीजें देख रहा है और भौंक रहा है। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ के पास गया, बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान तोड़कर सारा माल सामान उठाकर ले गए हैं, लेकिन सेठ उसकी बात समझ नहीं रहे हैं। तो कुत्ता क्या कर रहा है कि सेठ की धोती पकड़कर, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है, वह सेठ की धोती पकड़कर उस जगह ले जा रहा है जहां चोरों ने अपना उनका सेठ की दुकान से चुराया हुआ सारा माल सामान गाड़ दिया है। सेठ तो हक्का बक्का रह गए, यानी कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा, देखिए चित्र में नजर आ रहा है कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर उन्हें उस जगह ले जा रहा है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे, अब वो कुत्ते की बात नहीं समझ रहे इसलिए वो कुत्ते के पीछे पीछे जा रहे हैं। जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से थोड़ी मिट्टी खोदी, यानी कि सेठ को इशारा कर रहा है कि इस जगह आपका माल सामान छिपा दिया है उन चोरों ने। आगे क्या कहते हैं कि कुत्ते की थोड़ी देर खोदने पर वह माल सामान निकला। सेठ ने उसी जगह खड्डा खुदवाया, जैसे ही खड्डा खोदा तो वहां से चोरों ने जो माल सामान उनकी दुकान से चुराया था वह उन्हें वापस मिल गया। अब सेठ कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए, यानी कि वह उस पर मोहित हो गए कि ये कुत्ता कितना वफादार है। अभी कुछ ही समय से मेरे पास रह रहा है लेकिन मेरे प्रति भी वे उतना ही वफादार है जितना यह लाखा बंजारे के प्रति। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। अब ये सारी चीजें वापस मिलने पर सेठ एकदम खुश हो गए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लाखा बंजारे के लिए और उसने वह चिट्ठी कुत्ते के गले में, जो पट्टा था, देखिए चित्र में नजर आ रहा है कि कुत्ते के गले में एक पट्टा है और उसमें एक चिट्ठी बंधी हुई है, सामने के पेज पे नजर आ रहा है। उसने चिट्ठी लिखकर कुत्ते के पट्टे में बांधकर कुत्ते को छोड़ दिया कि कुत्ते भाई, अब वो कहता है कि कुत्ते भाई जाओ, अपने मालिक लाखा बंजारा के पास आज से तुम मुक्त हो गए हो। सेठ क्या कहते हैं कि कुत्ते भाई, तुमने इतना मेरी इतनी मदद की, मेरा सारा चुराया हुआ माल सामान मुझे वापस लौटाने में मेरी बहुत मदद की, तो आज से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, अब तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास जाओ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा है। कुत्ता बहुत सालों से लाखा बंजारे के पास रह रहा है, जैसे ही सेठ ने कहा कि आज से तुम मुक्त हो, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जा सकते हो, तो कुत्ता भी खुश हो गया और जल्दी जल्दी अपने मालिक के पास जाने के लिए भागा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। अब इस तरफ जो उधार रकम लाखा सेठ के पास ले गया था उसकी वजह से अब वह अपने व्यापार में मुनाफा कर रहा है और उससे काफ़ी मुनाफा भी हो गया है।
वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा है जिस रास्ते से कौन आ रहा है, कुत्ता। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। और एक ही रास्ता जाने आने के लिए दोनों के पास है और जिस ओर से कुत्ता आ रहा है उसी ओर से लाखा बंजारा भी आ रहा है सेठ को पैसे वापस देने के लिए। अब उसने सामने से कुत्ते को आते हुए देखा, वह नाराज हो गया। उसने कुछ मन में सोचा नहीं लेकिन कुत्ते के लिए वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है ना। लाखा बंजारा ने सेठ को जबान दी थी कि जब तक मैं अपने रुपए पैसे आपको सूद समेत वापस नहीं लौटा दूंगा तब तक मेरा कुत्ता आपके पास रहेगा। उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, मतलब मेरी बात का मान नहीं रखा। उसने बेवफाई की, मतलब मेरे से तो वफादार पहले था लेकिन अब सेठ की तरफ उसने बेवफाई की और मेरी तरफ भी बेवफाई की, मेरी बात ना मानकर। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब मन में वो वही सोच रहा है कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ननताव, यानी कि कुछ भी सोचे समझे बगैर कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। देखिए चित्र में नजर आ रहा है कि लाखा बंजारा लाठी से कुत्ते को मार रहा है। अब उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर एक लाठी उठाई और कुत्ते के सर पर प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वाभाविक है उसके माथे पर जोर से लाठी लगी है तो बेहोश हो गया और उसी वक्त उस जगह गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में चिट्ठी बंधी है। वो चिट्ठी किसने बांधी थी, सेठ ने। कुत्ते को छोड़ दिया था और एक चिट्ठी बांधी थी। अब लाखे बंजारे को वह चिट्ठी नजर आई। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसे मेरे घर चोरी किए गए सारे माल सामान को मुझे वापस लौटा दिया, इसीलिए मैंने खुश होकर उसे छोड़ दिया है। यह चिट्ठी में सेठ ने लिखा था जो लाखा बंजारा भी पढ़ रहा है। लाखा तो चकित हो गया, उसे आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। अब सारी चिट्ठी की बात उसे मालूम हो गई कि ये सब क्या माजरा है। अब वह चिल्लाने लगा कि मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी पछताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाठी के प्रहार से कुत्ते की उसी वक्त मृत्यु हो गई है और यह लाखा बंजारा कुत्ते का शव लेकर अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रो रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज पाटन जिले के रैधरपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा सुना रही है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें पहले उसे सोचे समझे फिर ही आगे बढ़े। सोचे समझे बगैर कोई भी किया हुआ कार्य हमें पछताने की नौबत तक ले जा सकता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।